नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि मैंने सोचा बिल्ली आ गई। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक यही है, प्यार क्या होता है और प्यार के मायने क्या है। तो मैं अपनी जो है ओपिनियन बताऊंगी। मैं सबकी नहीं बता सकती क्योंकि सबका दिमाग जो है अलग अलग तरीके से चलता है और सबकी सोच भी अलग अलग होती है। तो मैं अपनी सोच बताऊंगी। और देखिए, मैं बताऊँ ना, प्यार जो है एक खूबसूरत सा एहसास होता है और हर किसी के ज़िंदगी में एक कभी 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 ना कभी वो मोड़ आता है जब किसी दूसरे इंसान से उसको जो है आकर्षण हो जाता है, जिसको हम प्यार भी कह सकते हैं। और कभी कभी जो है पहला नज़र का जो प्यार होता है ना, पहली बार जो होता है, तो वो इंसान जो है कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाता है। क्योंकि जो पहले पहले बार होता है ना, उसका जो है कुछ अलग ही महत्व होता है। चाहे हम उससे बात करें, चाहे उससे बोले भी ना, चाहे उसको छुए भी ना, और चाहे जो है उसको जो है कभी जो है हम लोग मिले भी ना, पर एक बार जब किसी को देख लो और उससे जो है उसका आकर्षण जो है हमारे शरीर को जो है एक गुदगुदी सा मतलब लगने लगता है ना, तो उसी को हम लोग प्यार कहते हैं। और प्यार जो है बहुत सुंदर सा शब्द है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो है दो जिस्मों का मिलन हो, दो जिस्मों का मिलन होना जरूरी नहीं है प्यार में। प्यार में जरूरी है दो आत्माओं का मिलन हो। और जब वह दो आत्माएं जो है आपस में मिल जाती हैं, चाहे एक दूसरे को छुए ही ना, सिर्फ बोल बात से, एक दूसरे की तरफ देखने से, पसंद करने से ही एक अलग सी खुशी मिलती है। और बिना कहे ही हम एक दूसरे को जो है काफ़ी अच्छे से जो है महसूस करते हैं, समझते हैं और एक दूसरे की दुख को, दर्द को बिना कहे ही फील कर लेते हैं, इसको प्यार करते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि दोनों में जिस्मानी रिश्ता हो, ये नहीं होता है प्यार। जिस्मों की भूख नहीं होती है प्यार में, दो आत्माओं की भूख होती है और उसमें शरीर का मिलना ज़रूरी नहीं है। प्यार एक सुखद अनुभव होता है जो सबकी लाइफ में एक न एक बार जरूर होता है, और कभी कभी किसी को नहीं भी होता है, अपने पति के द्वारा हो जाता है या तो अपनी वाइफ के द्वारा हो जाता है, लेकिन होता जरूर है। और सबको इस चीज़ का एहसास होता है। और पहला प्यार कैसा होता है वो अगर पूछो उस इंसान से, तो बहुत खुशी से बताता है अगर बताने वाला होगा, लेकिन अगर छिपाने वाला होगा ना, तो वो कभी नहीं बताएगा। लेकिन हर चीज़ को गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। किसी को पसंद करना, किसी से को जो है देखना, किसी से बातें करना, इतना गलत नहीं होता है। लेकिन उसी में कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा गलत कर जाते हैं, प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं और जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ये सब गलत होता है। अगर आप जो है किसी को पसंद करते हो और किसी से जो है बात करते हो या किसी को देख के ही खुश हो जाते हो, ये गलत नहीं होता है। क्योंकि ये आकर्षण एक न एक दिन आपकी ज़िंदगी में होना था और आना भी था। मैं किसी को यहाँ पे बिगाड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। जो ज़िंदगी की सच्चाई है, जो मतलब आजकल की दुनिया है या पहले की दुनिया थी, हमारी समाज, सोसाइटी, इन सब चीज़ों को बहुत जो है गलत मानता है और मैं खुद मानती हूँ। लेकिन पसंद करना एक अलग बात होती है और शरीर के साथ जो है पसंद करना एक अलग बात होती है, और जिस्मानी रिश्ता ये सब मुझे खुद नहीं पसंद है। और खुल के जियो, ज़िंदगी जो है इज्जत के साथ जियो। ज़रूरी नहीं है आप जिस इंसान को पसंद करते हो, प्यार करते हो, आपकी शादी भी उसी इंसान से हो, जी नहीं। ये जान लीजिए 90% लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिनको पसंद करते हैं उनकी शादी उनके साथ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन उन जो पहले नज़र का प्यार होता है ना, उसको इंसान कभी भूल नहीं पाता है। शादी के बाद भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं या उसके दिल में वो चीज़ रहती है।
कि हाँ वो मुझे पसंद थी, हाँ वो मुझे पसंद था, ये चीज़ रहता है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इंसान जो है अपने परिवार में, अपने जो है काम काज में जो है धीरे धीरे जो है मशगूल हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब भी इंसान जो है फ्री होता है ना, तो कभी न कभी वो ध्यान आ ही जाता है। प्यार करो, लेकिन उस हद तक करो जहाँ तक आपकी समाज आपको जो है इजाज़त देता है। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है प्यार शादी के पहले ही हो, शादी के बाद भी कभी कभी हो जाता है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। और इसको गलत कहेंगे तो सही मायने में ये गलत ही कहा जाएगा, लेकिन किसी को देख के पसंद कर लेना और उस चीज़ को अपने मन में दबा लेना, ये गलत नहीं होता है। क्योंकि जो है गलत तब होता है जब आप उससे मिलने की कोशिश करो, उससे दिन रात बातें करो, तब गलत होता है। तो यही मेरे नज़र में इसके मायने हैं। आपकी नज़र में क्या मायने हैं प्यार की, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्यार में इंसान जो है पूरी दुनिया त्यागने पे मजबूर हो जाते हैं। आजकल के बच्चे जो है दिन रात फोन में लगे रहते हैं, बातचीत करते हैं, फोटो वोटो शेयर करते हैं। दुनिया तो बहुत आगे चली गई है, प्यार के मायने ही बदल गए हैं। आपके ज़माने में प्यार के मायने बदल गए हैं। आज का जो सोशल नेटवर्क की दुनिया है ना, सभी चीज़ों को इधर का उधर, उधर का उधर, सब कुछ कर दिया है। कुछ भी जो है अब पर्दे के पीछे नहीं है, सब छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ के बारे में जानते हैं। जो बच्चा मोबाइल चला ले जाता है उस बच्चे को हर चीज़ की जानकारी रहती है। गलत क्या सही क्या, ये हम माँ बाप की जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को जो है एहसास करवाएं, बताएं क्या सही है क्या गलत है, तभी आपका बच्चा जो है समझेगा। और पहली नज़र का प्यार होना स्वाभाविक हो जाता है, कभी कभी जो है हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। और जब हो जाता है ना, तो बंदा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और इस चेंजेस को माँ बाप जो है बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। फिर वही हो जाता है डांट खाना, रोज़ रोज़ का चिल्लाना, और जो है उल्टी सीधी बातें माँ बाप बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चा अगर समझदार होता है तो समझ भी जाता है। प्यार में जो है स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसके शरीर मुझे चाहिए, उसके साथ मुझे कुछ करना है, ये सब चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं ये सब करना। प्यार में आप लोग एक दूसरे को कितना जो है रिस्पेक्ट देते हो, कितना जो है इज्जत करते हो, कितना जो है वैल्यू करते हो अपनी प्यार की, ये सब मायने रखता है। और अगर आप इज्जत करते हो दिल से, तो अपने प्यार को कभी भी आप लोग तकलीफ़ नहीं दोगे, धोखा नहीं दोगे, और जो है अपने प्यार को कभी भी जो है किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ना चाहोगे कि किसी के आगे जो है जिसको मैं प्यार करता हूँ वो शर्मिंदा हो या दुखी हो या मेरी वजह से कोई भी उसको तकलीफ़ पहुँचे, कभी नहीं चाहोगे। उसी को सच्चा प्यार कहते हैं। लेकिन जो लोग मतलब के लिए ये सब करते हैं ना, वो लोग दिमाग के बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होते हैं, साइको टाइप के होते हैं। उनको बस सिर्फ आपके शरीर से मतलब होता है, आपके पैसों से मतलब होता है, और इनसे लोगों से जो है आपको दूर रहना चाहिए। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी। और मुझे भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा।